लोग सबसे पहले हम लोग को एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसको हम लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है आपका पिक्सल लैब। हम लोग जाकर यहाँ पे सर्च करेंगे पिक्सल लैब, ये जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोस्तों ये मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, इसको डायरेक्ट मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन करते ही कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और आपको एक इमेज साइज को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। दोस्तों जो हमारा थंबनेल का साइज होता है उसको आपको पहले सेट करना है। अगर आप कोई दूसरा साइज का लेंगे तो वो परफेक्ट आपका जो थंबनेल है वो सेट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इमेज साइज जो लिखा हुआ है से इमेज साइज को सिलेक्ट कर लेंगे, कस्टम पे आकर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ है इस पर हम लोग क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। तो ये मेरा थंबनेल का साइज सेट हो गया है। अब यहाँ से हम लोग ये टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज देंगे। अगर दोस्तों आप ये बैकग्राउंड इमेज अगर अपना कस्टम देना चाहते हैं तो कस्टम दे देंगे। तो मैं अपना एक यहाँ पे कस्टम ऐड करता हूँ, मेरे गैलरी में ऑलरेडी है तो मैं गैलरी में जाऊँगा। ये मेरा गैलरी है, गैलरी में जाकर मेरा डाउनलोड किया हुआ एक कस्टम मेरा ये बैकग्राउंड स्क्रीन है तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सीधा इसको बढ़ा देना है, बढ़ाने के बाद आपको इसको पूरा परफेक्ट बैकग्राउंड सेट कर देना है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना एक इमेज डालेंगे। आप अगर आपका वीडियो का कोई इमेज है तो उसको एक बैकग्राउंड इमेज दे देंगे। तो चलिए हम अपना एक बैकग्राउंड इमेज ले लेते हैं। मेरे पास एक ये वाला बैकग्राउंड इमेज पड़ा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे करके सेट कर देंगे। दोस्तों ये बैकग्राउंड इमेज इस तरीके से कैसे बनाएंगे ये मैं, अगर आप लोग को चाहिए इसके बारे में जानकारी तो मुझे कमेंट करके बताएगा, मैं इसके बारे में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि बैकग्राउंड इमेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सब सेट कर दिए। अब इसके बाद हम लोग को अपना टॉपिक को लिखना है, एक अट्रैक्टिव जो टॉपिक है उसको हम लोग लिखना है अपने टाइटल के बेस पे। तो मेरा टाइटल अभी क्या है कि थंबनेल कैसे बनाएं, YouTube थंबनेल कैसे बनाते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने YouTube है तो मैं एक YouTube का आइकॉन यहाँ पे डाल देता हूँ। गैलरी में गया, मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है एक YouTube का आइकॉन, ये वाला देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली ओके कर दूँगा। यहाँ पे आकर इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ दोस्तों, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो इसको ऐसे हम लोग यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर सेट कर दिए। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, जहाँ भी चाहे वहाँ इसको आप सेट कर दें। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि थंबनेल, हमारा टाइटल लिखते हैं कि थंबनेल कैसे बनाएं। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इस पर हम लोग टेक्स्ट पे जाएंगे और टेक्स्ट को एडिट करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे थंबनेल कैसे बनाए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे हिंदी में टाइप करेंगे कैसे बनाए। सॉरी मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है दोस्तों, तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो ये मेरा लिख दिया है थंबनेल कैसे बनाए। तो यहाँ पे इसको इसके सामने हम लोग प्लेस कर देंगे ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। अब हम लोग इसका स्टाइलिंग करेंगे दोस्तों, ये देखने में अभी उतना खास नहीं लग रहा है तो इसको हम लोग स्टाइलिंग करें। पहले इस फोटो को हम लोग लॉक कर देंगे दोस्तों, क्योंकि बार बार हम लोग को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस फोटो जो दिख रहा है इस पर हम लोग लॉक कर देंगे ताकि ये दूसरी बार से ये डिस्टर्ब हम लोग को नहीं करेगा। तो अब हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसका स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग को एक कलर सेट कर लेना है कि ये मेरा जो टाइटल है इसका कलर क्या होगा। तो यहाँ से आप लोग जाकर यहाँ से जो भी कलर देख रहे हैं यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी कलर मेरा ये वाइट ही रहने देते हैं, क्योंकि वाइट काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, लोगों के नज़र में आता है। तो हम लोग यही रखेंगे फ़िलहाल के लिए और इसका हम लोग एक बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। इस थंबनेल जो लिखा हुआ टाइटल है इसका हम लोग यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, इसको इनेबल करेंगे और यहाँ से हम लोग एक अपना कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, ताकि ब्लैक के ऊपर जो वाइट होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है और देखने में लगता है, यूजर्स को वो देख सकते हैं आसानी से, तो देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग बैकग्राउंड पे ही रहेंगे। उसके बाद इसको जो हम लोग रेडियस देते हैं इसको हम लोग एक रेडियस सेट करेंगे। रेडियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे जो ये गोल हो जाएगा, यहाँ पे जो किनारा देख रहे हैं इसका ये गोल हो जाएगा, तो इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं।
तो रेडियस हम लोग सेट करेंगे तो ये अच्छा लगेगा। आप देखते हैं यहाँ से जो लेफ़्ट मार्जिन है इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि यहाँ पर लेफ़्ट के तरफ थोड़ा निकला रहे, तो ये अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद उसी तरह से हम लोग राइट के तरफ भी बढ़ाएंगे और ये हमारा राइट के तरफ भी देखने में अच्छा लगेगा। तो ये हो गया। अब इसका थोड़ा सा हम लोग फॉन्ट चेंज करेंगे दोस्तों, ताकि फॉन्ट चेंज करने से भी थोड़ा सा हम लोग को अट्रैक्टिव भी आ जाएगा और थोड़ा सा बोल्ड सेलेक्ट करने का कोशिश करेंगे हमेशा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस पर ओके कर दूँ। तो दोस्तों देखते हैं आप, मेरा ऐसा कुछ निकल कर आया जो कि अच्छा लग रहा है अभी देखने में। उसके बाद हम लोग कुछ और अगर सेट करना है वो हम लोग सेट करेंगे, जैसे थंबनेल कैसे बनाएं और प्रोफेशनल थंबनेल। यहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट दे देंगे, जो आपको टेक्स्ट देना है तो वो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल। इसको हम लोग लिख दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पे हम लोग दो लाइन ब्रेक करेंगे ताकि ये देखने में और अच्छा लगेगा। यहाँ पे ब्रेक कर दिए, इसको मिडिल में कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है। अब इसका हम लोग फिर से स्टाइलिंग करेंगे दोस्तों, तो इसको हम लोग कलर कुछ और सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे। अब इसका हम लोग बैकग्राउंड रेड देते हैं दोस्तों, ताकि ये और अच्छा लगे, खिले। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा लेफ्ट मार्जिन दे देते हैं और थोड़ा सा राइट पैडिंग दे देते हैं, लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग। ये आप लोग हमेशा दें ताकि ये थोड़ा सा देखने में प्रोफेशनल तरीका लगे। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। इसका जो कलर है इसको हम लोग चेंज करेंगे दोस्तों। यहाँ पर कलर पर आके हम लोग इसको ब्लैक करते हैं, ये अच्छा लग रहा है अभी। अब फिर इसको हम लोग फॉन्ट पे आएंगे, फॉन्ट को अपने बोल्ड करेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा, अभी देखिए अभी थोड़ा ये खिल नहीं रहा है, मतलब जो प्रोफेशनल तरीका से लिखा हुआ है ये थोड़ा हम लोग को अभी इसको और स्टाइलिंग देने का ज़रूरत है। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग इसको मास्क कर देंगे दोस्तों। मास्क करने से क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये आँख पर लगेगा दोस्तों कि ये कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग मास्क करेंगे। यहाँ पर आप स्ट्रोक सबसे पहले देते हैं, स्ट्रोक देने से ही ये मास्क हो जाएगा। और स्ट्रोक देने से आपको सबसे पहले स्ट्रोक का कलर सेलेक्ट करना है। स्ट्रोक का कलर हम लोग अगर ब्लैक है, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक है और बैकग्राउंड रेड है, तो इसमें हम लोग कौन सा ऐसा स्ट्रोक लगाएंगे जिससे हम लोग को ये अच्छा लगेगा। तो हम लोग व्हाइट लगाएंगे तो ये काफ़ी खिलेगा। तो अब देखिए, अब इसका जो लुक है वो अलग हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लुक इसका बहुत ही गजब दिख रहा है अभी। तो ये फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग जाएंगे और कुछ और एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करेंगे, जैसे नए तरीके से या 2021 में। तो इसके लिए हम लोग एक और एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करते हैं, टेक्स्ट पर लिखेंगे हम लोग 2021। आप लोग को जो लिखना है वो लिख सकते हैं, आपका टाइटल के हिसाब से इसको सेट करेंगे। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि इसको आप लोग कैसे स्टाइलिंग देंगे, एक प्रोफेशनल तरीका, प्रोफेशनल लुक कैसे देंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर इसके हम लोग टेक्स्ट पे चलते हैं, टेक्स्ट फॉन्ट पे आते हैं, फॉन्ट पे आके इसको हम लोग बोल्ड कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे बैकग्राउंड पे, इसका एक बैकग्राउंड इनेबल करके अब इसको हम लोग बैकग्राउंड को येल्लो देंगे दोस्तों। येल्लो काफ़ी नज़र में आता है, तो इसको हम लोग येल्लो सेट करेंगे। यहाँ पर येल्लो सेट कर दिए। फिर यहाँ पे कलर पे जाएंगे, जो हम लोग को कलर जो दिख रहा है अभी वाइट दिख रहा है वो ये अच्छा नहीं लग रहा देख रहा अभी, तो इसको हम लोग ब्लैक कलर सेट कर देंगे। कलर पे जाके हम लोग इसका ब्लैक कलर दे देंगे ताकि ये सामने की तरफ आ जाए। दोस्तों अभी देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा और इस पर हम लोग काम करना बाकी है। इस पर हम लोग जाएंगे और इसको हम लोग बैकग्राउंड का एक जो सर्कल टाइप का होता है उसको हम लोग सेट कर देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो इसको हम लोग रेडियस सेट करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे एक राइट पैडिंग और लेफ़्ट पैडिंग भी सेट कर देंगे। इसको बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ऐसे हम लोग बढ़ा दिए, और रेडियस थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा देते हैं, एकदम गोल कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ देखने में अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो इस तरीका से आप अपना थंबनेल को आसानी से दोस्तों बना सकते हैं। और इसको आप कोशिश कीजिएगा जितना आप मतलब
खूबसूरत बना सकते हैं उतना आप बना सकते हैं। पिक्सल लैब जो आपका ऐप है, इसकी मदद से आप बहुत ही अच्छा तरीका से मोबाइल से ही आप बना सकते हैं दोस्तों। होप आपको ये अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर इससे कुछ आपको नॉलेज मिला हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।